हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं BMW और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सूर्यवंशी और बात करने वाले 83 फिल्म पर। सूर्यवंशी जो रिलीज होने वाली 27 मार्च को, उसके बाद दो हफ्ते बाद आने वाली 83। और यहाँ पे आप देख सकते हैं BMW में मौजूद है वन एंड ओनली हैंडसम एंड डैशिंग और अशोक सर यानी कि ऑटो वाले अंकल। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि दोनों ही फिल्मों को लेकर आपकी क्या राय है। दोनों ही फिल्मों में रणवीर सिंह है, लेकिन क्या वो खुद की ही फिल्म जो है सूर्यवंशी उसको ग्रहण लगा देंगे, उनके 300 करोड़ का सपना तोड़ देंगे कि दो हफ्ते बाद 83 है? ये कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो है ये थोड़ा बहुत है, ये आप लोग है ना, मुझे ये समझ में नहीं आता। ये चैनल वाले जो है ना, क्लैश करके है ना पूरा मूवी का जो है ना मूवी का पूरा वाट लगा देते। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अच्छा। आप लोग जो बोल रहे हैं अभी, हाँ, आप ये सोचिए, हाँ, कि 29 साल के बाद, हाँ, 29 साल के बाद जो है अक्षय कुमार और अजय देवगन जो कि सुहाग मूवी में काम किए थे और वो लोग जो है दोनों जो है एक साथ जो है वापस आ रहे हैं, तो वो जो कितनी मेहनत से और कितनी दिल से उसमें काम किए हुए हैं, कितना जबरदस्त उसमें ऐसे ऐसे खतरनाक सीन होंगे, ऐसे ऐसे खतरनाक देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है एंट्री मिली है रणवीर की, क्योंकि वो उभर चुके उभरते हुए सितारे हैं, तो फिर इसमें ग्रहण लगने का कोई चांस नहीं है। ये मूवी जो है ब्लॉकबस्टर रहेगी और होके रहेगी। हाँ। अब रह गए हम लोग जो है वर्ल्ड कप की बात, हाँ, करते, हाँ, हैं, हाँ, तो ये जो उसको कपिल देव का जो है किरदार निभा रहे हैं, हाँ, रणवीर सिंह, हाँ, निभा रहे हैं, हाँ, तो ये देखते हैं कि वो मूवी देखने के बाद हम लोग बताएंगे कि वो मूवी जो है रणवीर जो है आ रहे हैं उस कपिल देव के इसमें किरदार में, देखते हैं वो कहां तक खरे उतरते हैं। वो मूवी हिट रही तो बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के लिए गर्व की बात है, और जो है कलेक्शन करे तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ये 300 करोड़ 400 करोड़ की बात नहीं है, ये अक्षय कुमार के सर के सामने जो है कोई ये नहीं है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं फैंस तो यही चाहते हैं कि 200 करोड़ बार बार कर चुके उनकी फिल्में सूर्यवंशी, 300 करोड़ का एक नया कीर्तिमान दर्ज करे, और दो हफ्ते बाद जब 83 आएगी तो कहीं ना कहीं उस 300 करोड़ में ग्रहण तो नहीं लग जाए? वही अभी वापस सवाल है। ग्रहण का ऐसा कोई बात नहीं है, जैसे ये जो है इसका जो डायरेक्शन जो कबीर जो ये कर रहे हैं, हाँ, जो भाईजान, हाँ, जो इन्होंने किया, हाँ, था, बहुत अच्छे अच्छे मूवी थी इन्होंने, तो उसका भी हो सकता है उन्होंने डायरेक्शन कुछ हटके ही किया होगा, पब्लिक को पसंद आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो है दो हफ्ते के बाद मूवी आ रही है, 10 तारीख को आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, 10 तारीख को आ रही है, तब तक तो ये 200, 250, 300 के आसपास सही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो है वो ब्लॉकबस्टर की तरफ पहुंचते रहेगी। अगर ये मूवी जो है ब्लॉकबस्टर की तरफ पहुंचेगी या सुपरहिट की तरफ पहुंचेगी तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, और देखते हैं कि ये कपिल देव के इसमें जो है किरदार में कितने खरे उतरते हैं, और खरे उतर गए तो बहुत अच्छी बात है, एक उभरता हुआ स्टार हमें मिल जाएगा। और मैं यही चाहूंगा कि दोनों फिल्म जो है अच्छी बिजनेस करे और दोनों जो है अच्छे खरे उतरे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।